आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो बेटियां सर्वोपरि होकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति का उद्घाटन करते हुए कहा गया है कि अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की कमान में भी बेटियों को 20% तक आरक्षित किया जाएगा, जिससे कि बेटियां आगे बढ़ते हुए अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठा सके। इसीलिए आज हम बेटियों से ही बात करते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले का उसको किस तरीके से देखते हैं। आपका नाम? मुख्यमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया है कि बेटियों को 20% तक आरक्षित किया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है कि बेटियां आगे निकल रही हैं और समाज सेवा के लिए, और हर बेटी को इस तरह आगे निकलने के लिए मौका दिया जाए। इसी तरीके से कन्या छात्रा भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री जी के फैसले को कैसे देखते हैं। आप अपना किस तरीके से देखते हैं आप मुख्यमंत्री के फैसले को? बहुत अच्छा उनका फैसला है, वो हमारे लिए काफी कुछ कर रहे हैं और हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और हम बड़े होकर अच्छा बने और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आगे बढ़कर हम भी पुलिस में सेवा करते हुए बेटियों के साथ बढ़ रहे रोक लगाएंगे और जो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है बेटियां अच्छे से निभाएंगी। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जब सुरक्षा देने की बात आती है और वहाँ पर महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है, तो इस फैसले से मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो हम अपने समाज में बढ़ते हुए क्राइम्स देख रहे हैं महिलाओं के प्रति, उनमें कमी आई। जैसे कि मैं हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें लड़कियां नहीं जा पाती हैं थाने में, अगर ऐसा आगे होगा तो वो अपनी इच्छा जो उनकी होती है वो दूर कर देते हुए अपनी समस्याएं बता पाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कई बार महिलाएं किसी पुरुष के सामने उनके साथ असलियत में क्या हुआ वो चीज़ बताने में कहीं ना कहीं उसके अंदर हिचकिचाहट होती है। यदि थाने में या अलग कहीं उनकी हेल्पिंग के लिए कोई एक महिला सामने होगी तो काफ़ी हद तक अपनी बातों को खुलकर बता पाएगी। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि न केवल इससे बल मिलेगा अपितु ये हमारी लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे बड़ा योगदान, बहुत महती आवश्यकता है आत्मनिर्भर होना आज की छात्राओं का, तो उससे बहुत बल मिलेगा। जब बच्चियां आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित जानिए कि उनको अपने उचित निर्णय लेने के लिए वो सक्षम होंगी और देश और समाज के लिए बहुत मजबूती मिलेगी। तो मैं बहुत इस बात से बड़ी आनाहत हूँ, बहुत किस उससे अपने कहूँ उनका नमन करूँ अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जो ये सराहनीय और प्रशंसनीय कदम उठाए हैं उनके ईश्वर क्रिया सफल हो, सार्थक हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सभी आगामी भविष्य में आने वाली सभी छात्राओं की, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनका भविष्य उज्जवल बनाए। मैम, हम कह सकते हैं कि कई बार जो अपराध की घटनाएं होती हैं महिलाएं जाकर नहीं कह पाती हैं थानों में, ऐसे में अगर आने वाले समय में अगर थानों में ही महिलाओं के हाथ में होगी वो अपने बात को कह सकती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर महिला थाने में उनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं तो उनको बल मिलेगा और लड़कियों के हौसले बुलंद होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं कि बेटियों के प्रति इतना जागरूक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, और हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। इस फैसले के बाद हमारी बहनों में एक उत्साह का माहौल है कि उनको समझने के लिए अगर उनका जो दर्द है, जो उनकी पीड़ा है, उनको महिला अधिकारी समझेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि वो अपने जो भी उनका दर्द है वो उसमें 100% निस्तारण होगा। मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से बेटी के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, अगर पुलिस में महिलाएं होंगी तो बेटी अपने दर्द को बयां कर सकती है जो कई बार नहीं कर पाती। बिल्कुल, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो भी बहनें इस फील्ड में, पुलिस फील्ड में आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से उस दर्द को महसूस कर सकती। क्या नाम है? विकास गुप्ता के साथ विशाल पटनाकर, जनवाणी टीवी।